इसीलिए कह देते हैं कि चंद्र बदनी चंद्र कला ऐसा कह देते हैं। तो ललिता सखी कहते हैं आज विपरीत ध्वनि देखिए तो कैसा प्रिया जी काम हो गया है, जो गौर वर्ण चमकता हुआ तप्त तो कांचन गौरांग जो बिल्कुल झामर काला हो गया, झामर हो गया। सामर है झामर तोड़ दे कह कह कास लावलने, वही कह रहे आज विपरीत धनी देखिए तो बुझयन पारिय संशय मोय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आज विपरीत धनी देखिए तो बुझन पारिय संशय मोय। भारा इस ब्रजमंडल की सारा दुनिया जानता है कि प्रिया जी की समान सौभाग्यशाली और पतिव्रता कोई नहीं, लेकिन बिल्कुल विपरीत स्थिति देख रहे हैं क्या बात है। बुझन पारिय संशय मोय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। संशय क्या है, तू मुख मंडल पूर्णिमक चांद, आपका मुख मंडल कैसा है पूर्णिमा का चंद्रमा, काला की भर गेल ऐसन छाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। नयन जुगल भेल काजर विधार, आपका नेत्र कैसा हो गया है, नयन जुगल भेल भेल कार्थ होता हो गया, नयन जुगल भेल काजर विधार। काजल लगाते हैं ना, क्यों लगाते हैं, काजल लगाने से आंख का सौंदर्य बढ़ जाता है ये तो बात, और काजल लगाने से आंख का रोग भी नष्ट हो जाता है। अंजन कहां आंख जी फूटे, तुलसीदास जी लिखे हैं, अरे भाई आंख में काजल लगाया जाता है आंख के रोग को ठीक करने के लिए, और काजल लगाने से यदि आंख ही फूट जाए तो उस काजल की क्या महत्व। अरे घर में नाती पोता स्त्री बाल बच्चा इसलिए बनाया जाता है कि भजन में सहायता करे, अब उन्हीं बेटा बेटी नाती पोता के लिए भजन छूट रहा है तो उस संबंध से क्या मतलब। नाता एक राम के मनियत सुहित सुसेव्य जहां हो, संबंध केवल इसीलिए बनाया जाता है कि भगवान के भजन साधक सहायता करें, और यदि वो संबंध ही हमको भगवान से दूर कर देता है तब कहते अंजन कहां आंख जैसे फूट। तो प्रिया जी के आंख का नेत्र कैसा हो गया है, नयन जुगल भेल काजर विधार, अधर निरस करू कवन गमार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। सारा दुनिया में श्री कृष्ण को सबसे बड़ा विद्वान कहा जाता है, कहते हैं ना गीता भक्ता, भगवान जैसा बुद्धिमान कोई नहीं है, लेकिन निकुंज में कृष्ण का एक बड़ा सुंदर नाम है गमार। एक बार नहीं बहुत बार पशुक संग जे जन्म गमावल से की बुझावलती रंगी सखियां कहती हैं, अरे पशुओं के साथ हीयो हीयो करने वाला इस रस को क्या समझेगा। यहाँ भी कहते हैं
अधर निरस करू कमन गवार। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। पीन पयोधर नख रख देला कनक कुंभ जनी भगन हूँ भेल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। पीन पयोदर नख रख देल। कौन गंवार है? गंवार तो देखो इसको, प्रिया जी की सहचरिया प्यारे श्याम सुंदर को गंवार कहती है। तुम हम लोग इतना सुंदर सजा करके निकुंज मंदिर में दे दी थी आपको, कहा दोनों अंग में मैं कितना सुंदर सजाई थी, अरे कमार तुम्हारा स्थिति बना दिया, क्या कर दिया, आंख का काजल को भी हटा दिया। अरे काजल थोड़ा अच्छा से लगाया जाता है, वो तो बिल्कुल मिटा दिया। चल का आंख का काजल कहाँ लगा दिया, गाल पे लगा दिया। नयन जुगल भेल काजर विधार, अधर निरस करू कमन गमार। तीन पयोधर नख रख देल कनक कुंभ जनु भगन हूँ भेल। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी चार सेवा की आशा किए हैं इस श्लोक और संयत वस्त्र को सुधारना, अस्खलित कंचुकी, सिंदूर लिप्त ललाट और अधखुली चोटी और छिन्न मणिहार, कुछ टूट गया है मणिहार, इन कोई हमको सेवा मिलनी चाहिए। अच्छा, श्रोताप सभी का वर्णन करते हैं। कुंज भंग लीला। अंग विलेपन कुमकुम भार, पीतांबर धरु इथ की विचार। प्रिया पित्रियजू, आज मैं देख रही हूँ नीलांबर श्री अंग पर, हमेशा नीलांबर धारण करती हैं, आज पीत वस्त्र कैसे धारण कर ली हैं, क्या बात है? जो प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ना, प्रातः पीत पटम कदाप्यपनयत, सुबह सुबह प्रिया जी के श्री अंग पर पीत वस्त्र है। गोविंद लीला मृत में तो लिखा गया है कि मुखरा सुबह सुबह आई, प्रिया जी को बहुत लेट तक सोई थी, तो आई मुखरा देखने के लिए, तो देखी कि प्रिया जी के श्री अंग पर नील पीत नील वस्त्र के जगह पीत वस्त्र है। मुखरा तुरंत कही कि अरे सखी ये मैं क्या देख रही हूँ, आज तो सारा मर्यादा लगता है भंग हो जाएगा, इस पूरे भूमंडल में एक प्रिया जी ही धर्म की मर्यादा की है, लकी लगता है उनकी भी श्री अंग पर मैं देख रही हूँ। कल जो नंद नंदन के श्री अंग पर वस्त्र था, आज प्रिया जी के अंग पर वस्त्र है, तो उसी समय उस समय सखियों का बड़ा भारी सेवा, अब क्या करें, मुखरा जी ऐसे कह रही हूँ। तो तुरंत आकर के सखियां कहती हैं कि तू अंधी हो गई, अभी अभी सूर्य का पीला पीला प्रकाश और प्रिया जी का श्री अंग दोनों एक साथ जुट गया तो नील वस्त्र भी पीत हो गया, तुझको नहीं और इतना समझाए कि समझाने से ही तुरंत मान गए, तो वही कह रहे हैं।
अंग विलेपन कुमकुम भार पीतांबर धरु इथ की विचार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे। सजनी रमन दू कुलवति बाद हरि सखी हम लोगों की रक्षिका एकमात्र आप है, लेकिन एक कुल नारी पर बड़ा भारी बात होने वाला है। अब थोड़ा अपमान चालू होगा। कासय भूजली भरमक साथ कामिनी कहनी कह संवाद कवि शेखर नहीं कर परमाद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे गया है। ग्रीष्मे गोविंद सर्वांगे चंद चंदन चंदिका सीते श्यामा सुभांगे सु पित्त बट्ट लसत सते। ये जो तो मैं पद बोला हूँ सब पद आचार्य चरणों ने इसमें वर्णन किया विशाखानंद स्त्रोत में लिखा गया। हित चौरासी में हित हरिवंश महाप्रभु कहते हैं बहुत सुंदर इसी वस का इसी पद का आप करते हैं। देखिए भले कोई कहे लेकिन बिना परकिया रस का स्वादन उन लोगों को भी नहीं। उन लोग भी अपना पद में परकिया रस का स्वादन किए। ये हरिवंश जी का पद है। कौन चतुर युवती प्रिया जाय मिलत लाल चोर भय रहन। अरे कौन ऐसी युवती है जिसके पास प्यारे श्याम सुंदर चोर बनकर छिप कर उसे मिलने के लिए जाते हैं। देखिए परकिया रस का रस वो सुरतान छवि का वर्णन करते हैं। आज तो युवती तेरे बदन आनंद भरो प्रिया जी आपका श्री अंग आज तो आनंद से भर गया है। प्रिय की संगम के सुचित सुख चैन प्यारे श्याम सुंदर के मिलने से जो आपके हृदय में आह्लाद उत्पन्न हो रहा है आपके एक एक अंग पर दिख रहा है। आलस बलित बोल सुरंग रंग कपोर अभिथकत अरुण उनंदे दो नयन। अभी देखने में ऐसा लगता है कि आपका नी आपका नयन है लगता है रात दिन रात भर आप सोई नहीं इसलिए विथकित अरुण उनंदे दो नयन। रुचि तिलक लेस किरत कुसुम केश आपका जो ललित कुसुम केश है वो भी उलझा गया है। सिर सिमंत भूषित मानो तैल आपका सिर का सिंदूर है वो भी हट गया है। करुणा कर उदार राखत कछु नसार दसन बसन लागत जव दैन काहे को दुरत भीरु पलटे प्रियतम चीर बस किए श्याम सिखे सुत मन। अरे प्रिया जो काहे को प्यारे श्याम सुंदर के श्री अंग वस्त्र को अपने शरीर पर लपेट करके आई है बस किए श्याम सिखे। अब इसको कितना भी तुम छिपाओगी छिप नहीं पाओगी तुम किससे प्रेम करते हो सब पता चल गया है। गलित उरसी भाल शिथिल किंतनी जाल जय श्री हित हरिवंश लता गृह शयन लता गृह कुंज में इस रस का स्वादन आचार्य चरण करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
मंजरियों का स्वभाव है केवल प्रियालाल को प्रसन्न करना। सेव्य सुखी हो तभी समझे कि सेवा सार्थक हो। यदि सेव्य सुखी रहेगा तभी सेवा की सेवा प्रिय होगी। यदि इस बात की सूचना वे स्वयं नहीं देते, यदि हम भजन करते करते उस प्रियालाल के दिव्य अनुभूति न हो तो समझ जाना कि हमारा भजन अभी नहीं। आंख मूंदते ही तुरंत आपका मन कहां जहां है वहां चले जाए, तो आंख मूंदते ही वो स्थिति वहां पर आ जाए। यही साधक जीवन का भरोसा है। बस अपना नेत्र मूंदे, मुंह से भगवान का नाम ले और तुरंत मन वहीं चला जाए। श्रीपाद का स्मरण आस्वादन अत्यंत विचित्र है, साक्षात्कार जैसा निविड़ अनुभव। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर बैठ करके कितना भी प्रिया जी की उस लीला का स्मरण करते हैं। अजेम ही अब तो लगता है कि प्रिया जी हमको आदेश देंगे कि गले का हार बनाओ, लेकिन स्फूर्ति विराम होता है तो देखते हैं यहाँ तो कोई नहीं। कंदर्प लीला तब छिन्न प्रिय हार। कंदर्प लीला के समय आपका गले का हार छिन्न हो गया। कभी मोर आज्ञा हवे तहार गोथी बार। अपने मन से रोज आप सेवा करते हैं। कभी प्यारे श्याम सुंदर प्रिया जी भी कहें कि तुम हमारी सेवा करो, तब तुम्हारी सेवा स्वीकार। जो सखी मंजरी निकुंज में सेवा करती है तो प्रिया जी को भी आदत पड़ जाता है उस सखी का नाम लेने। आज कुछ भी जल चाहिए तो तुरंत उसी को बुला। जैसे भगवान श्री राम जी को आदत पड़ गई, जल चाहिए या घूमना है या कुछ भी करना है तो केवल एक ही नाम पुकारते हैं। किसका? हनुमान। लक्ष्मण को हनुमान। जितने अयोध्या में सेवक हैं सब दाह करते हैं हनुमान जी से। सबका सेवा कौन छीन लिया है? हनुमान। वैसे ही तुलसी मंजरी कह रही है कि जितनी सखी सहचरियां सब हमसे चिढ़ गई, जब देखो तब प्रिया जी के मुंह पर तुलसी 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 मंजरी तुलसी मंजरी और किसी का नाम ही नहीं है। कबे मोर आज्ञा हवे तहार गोथिवार। प्रिया जी के श्री अंग का माला टूट गया है और तुरंत नाम ले। सखी गौण आगे तुम्ही लज्जावती हरिया। इंगित हमारे देवी आदेश करें, आप इंगित करके हमको आदेश दें। देखिए संसार में ही डाह नहीं है, निगुज में भी डाह चलता है। जानते हैं कि नहीं? वहां भी ईर्ष्या है, डाह है, राग है। भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए तो यहाँ का जितना है काम क्रोध लोभ मोह सब वहीं से आया है। केवल अंतर इतना ही है कि यहाँ अपने लिए अपने सुख के लिए डाह करते हैं, वहां प्रिया जी के सुख के लिए। वहां यही ईर्ष्या है कि वो सेवा कर रही हमको नहीं मिला इसलिए डाह हो गया। वहां तत् सुख सुखित्व ईर्ष्या है, डाह है, क्रोध है। और यहाँ जो होता है वो किसके लिए होता है? अपने लिए होता है। बस यही अंतर। तो वहां भी निकुंज में भी बड़ा परिपाटी है। अरे प्रिया जी तो उसका नाम ले दी, उसको सेवा दे दी, उसको नहीं दिया। हम लोग देखते हैं संत समाज में भी रसिकों के पास जो रहकर सेवा करते हैं वहां भी बड़ा झगड़ा होता है। उड़िया बाबा के पास तो इतना झगड़ा हुआ कि उनका चेला ही उनको गर्दन काट दे। इतना ही चैतन्य महाप्रभु जब रहते थे तो इतना राग द्वेष होता था एक भक्तों में भयंकर। निकुंज में भी आप देखिए तो इतना चंद्रावली से झगड़ा होता है। प्रिया जी से हम उधर उधर क्यों जाए? पद्मा से प्याल ये सब लड़के। तो यहाँ का जो लीला है अलौकिक, और जो इस जगत की लीला है तो इसमें स्वसुख है अपने लिए। यदि यहाँ कोई वस्तु वस्तु रख दिया जाए, निकुंज में रख दिया जाए, तो सबका लक्ष्य यही रहेगा कि इसको प्रिया जी को कैसे खिलाए। और यहाँ रख दिया जाए तो मन करे कम मैं खा जाऊं, कोई देखे भी ना मैं इसको चुरा। तो यही अंतर, इतना ही अंतर। क्योंकि वहां का ही तो प्रतिबिंब यहाँ पड़ा है। यहाँ कुछ भी मिल जाए तो उसको लोग सोचते हैं कि मैं अपने नाम से करूं,
धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, कोई वस्तु मिल जाए अच्छा, तो सोचते मैं कर लूँ। और गोलोक में कोई अच्छा दिव्य फूल मिल गया या कुछ मिल गया तो सबके मन में और प्रिया जी के चरण चढ़, ये बस इतना ही होता है। कितना अंतर है? थोड़ा अंतर है क्या? अधिक अंतर है? बहुत अंतर है। पूरा मार पिटाई झगड़ा तत्काल समाप्त हो जाए। यदि आपके घर में कुछ वस्तु आ जाए तो सोचे कि मैं उसको खिला दूं, माँ सोचे कि मैं बेटा को खिला दे, बेटा से किसी में माँ को खिला दे, माँ सोचे कि मैं उसको खिला दे, तो झगड़ा होगा कभी? हेलो, झगड़ा क्या होता है? माँ बेटा सोचे माँ देखे भी ना मैं खा जाऊं, बहुत वो देखे बहुत झगड़ा का झंझट है। और कुछ नहीं, आइस निकुंज लीला भी है, यही निकुंज, इसी को उल्टा कर देना। संसार है ही नहीं, रसिकों के लिए संसार नाम की कोई चीज नहीं, संसार है ही नहीं। यहाँ जो रस है वहीं के चक्रवर्ती बाई जी ने टीका लिखे हैं, ऋषि का लड़का आ रहा है, कहे माँ जीव तुम जीवो मत, तुरंत मर जाओ। साधु को कहे मर जीवो वा मरवा साधु, अरे साधु तुम जीवो वा मरो तुमको कोई फर्क नहीं, क्योंकि साधु यहाँ भी आनंद से है, मरने के बाद भी आनंद से रहेगा। उसी समय एक व्याधा आ गया, दुष्ट आ गया, तो उसके लिए आशीर्वाद दिए तुम मरो भी मत जियो भी, क्योंकि जीवित रहेगा पाप करेगा और मरने के बाद तो भयानक नरक में जाएगा, तो तुम्हारा तो दोनों गड़बड़ है, इसलिए तुम मरो भी मत जियो भी मत। असाधु के लिए आशीर्वाद दिए कि जियो वा मरो वा साधु, और एक ऋषि पुत्र के लिए आशीर्वाद दिए कि तुम तुरंत मर जाओ, देरी मत करो, क्योंकि अब जवान होगा शादी कर क्या क्या तुम गड़बड़ करेगा, अरे भगवान कौन है, इस समय तो बहुत अच्छा है, तुरंत मर जाओ। इसी तरह जो रसिक महापुरुष हैं इस रस के ज्ञात, बस उनका यही है, दिन रात का यही काम है। क्या काम है? इतना आ जाए तो क्या तब भागवत निवास पर क्यों भाड़ा पर कीर्तनिया को बुलाया गया? जो इतना ही आ जाए बस, क्यों इतना केवल आ जाए कि बस भगवान का नाम 24 घंटा रखना है, तब हम लोगों को भाड़ा पर बुलाना पड़ता है। यहाँ के जितने साधु हैं उन लोगों को खा करके दे दिया जाता है, तुम अच्छे से रहो, अब कीर्तन के लिए भाड़ा करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। आज हम लोग सुबह भागवत पढ़ रहे थे तो कपिल देव जी ने बड़ा सुंदर बात माता देवकी को कही, इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति केवल पैसा के लिए जीवित रहता है, उसका लक्ष्य केवल पैसा। ये कौन कह रहा है? कपिल भगवान माता देवकी। हम विचार किए कि किसी साधु को कहिए कि चलो भंडारा है तो पूछेगा कितना पैसा मिलेगा, खाने के लिए नहीं जाऊंगा पैसा, नौकरी के लिए कोई जाएगा इंजीनियर किसी के काम सेवा के लिए नहीं जाए कितना पैसा मिलेगा, डॉक्टर से पूछे कितना पैसा मिलेगा, मिनिस्टर 5 वर्ष में कितना चोरी करेगा कितना। हम लोग हमको तो लगा कि ऐसे कपिल भगवान कह, लेकिन विचार करने के बाद पता चला केवल एक अंतर भगवान में संसार में, केवल इतना ही अंतर, भक्त केवल भगवान के जीवित रहता है और संसारिक लोग केवल पैसा। परमेश्वर प्रतीत नहीं पैसन की प्रतीत। देखिए महापुरुषों की वाणी लगने देखने में लगता है बहुत साधारण है, लेकिन कितना सार्थक। कोई भी चलता है तो उसका लक्ष्य यदि पैसा मिल रहा है तो हमारा चलना सार्थक हो गया। देखिए एक ही नहीं, घर घर की एक ही है, प्रत्येक घर की एक ही लक्ष्य रह गया, लक्ष्य रहना है सेवा। हमारा लक्ष्य क्या है? केवल सेवा।
और सेवा में क्या है, नेकी कर पूरे में डर। किसी की सेवा कर दीजिए, करने के बाद जब यह भी इच्छा रहे बहुत अच्छा किए, बस सेवा रहा नहीं वो काम। सेवा के बदले में यदि कोई कह दे वो बहुत अच्छा आप हमारा काम किए, बस सेवा गए। सेवा करे और सेवा के बदले में गाली मिले तब सेवा सार्थक, यही बहुत चीज है। जैसे स्वामी सत्यानंद सरस्वती एक कोढ़ी को लाए सेवा करने के लिए, कोढ़ी मुंह पर थूका, तुमको सेवा करने नहीं आता तो हाथ क्यों लगाए, और जो कि भगवान जैसा सेवा करते थे, तब कहे कि आज ठाकुर जी हम पर प्रसन्न हो। सेवा के बदले में यदि अपमान मिले गाली मिले तब समझना कि सेवा मेरा सार्थक, और सेवा के बदले में कुछ मिल गया हमको भी अच्छा, वो कितना अच्छा मेरी प्रशंसा कर दिया, लाभ पूजा प्रतिष्ठा सेवा के बदले में मिलता है तो सेवा उसी समय चला जाए। कपिल भगवान का बात कितना सारगर्भित है, कितनी सारगर्भित है। आज संसार में केवल एक ही नाच चल रहा है, क्या नाच चल रहा है, हरि कृष्ण हरि कृष्ण, ये चले तो क्या ये यदि चलने लगा क्या करें, गोलोक पर जीवन में केवल एक ही लक्ष्य रह जाए क्या, हरे कृष्ण, ऐसा चल रहा है क्या, बहुत अच्छा है। आप संत हैं, संत के दृष्टि ही तो है, संत समय हमेशा यही देखता रहता है। रति के साधकों के लिए माधव जी कादंबरी में लिखा गया है कि कोई संसारिक आदमी बात भी करता है तो जो रति स्टेज पर साधु है वो देखता है कि ये कृष्ण चर्चा चल रहा है, वो नहीं देखता है कि ग्रामीण कथा चल रहा है। यदि वो चुप चुप गाली भी दे रहा है तो संत देखता है जो रति स्तर को धीरे धीरे नाम लिख रहा है, क्योंकि संसार महात्मा के लिए संसार नाम का चीज ही नहीं, वो सर्वत्र अपने प्रियालाल को ही देखता है, कृष्ण कथा में ही देखता है। और हमारे जैसे लोग तो देखते हैं वो जरूर कुछ भुदभुदा रहा है, गाली दे रहा होगा वो हंस रहा है, जरूर हमारे लिए हंसता होगा, झगड़ा कर लोगे बस, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए पुकार रहा हूँ प्रियतम, त्रिताप के ज्वाला से तू क्यों जल रहा है। संसार में दुनिया में केवल दो ही लोग हित चिंतक, एक संत और एक भगवान। संत ही है कि अपना कभी स्वार्थ नहीं देता, अपने को पीट करके भी अपमानित होकर भी दूसरों की सेवा करना चाहते हैं। गौतम बुद्ध जा रहे थे, सारा समाज के लोग कहे खबरदार उधर मत जाओ, अंगुली मार डाकू है मार डाले, गौतम बुद्ध को दया है, हमारे एक मरने से उसका उद्धार हो जाए मैं मरना चाहता हूं, चल और चल दी अंगुली मार डाकू, देखा कि ये काल के मुंह में क्यों आ रहा है, वो तो दूर से डरे कौन है, जोर से डांटा उंगली मार डाका रुक जा। गौतम बुद्ध केवल इतना ही कहे भैया मैं तो रुक गया तुम कब रुकेगा, बस काम हो गए इतने। अब उंगली मार देखिए जो परा वाणी से जो बोलता है, हमारे पास चार वाणी है परा पश्चिमी मध्यमा और वैखरी, और संत लोग बोलते हैं परा से, तो परा वाणी को सहन नहीं कर पाए, बस बड़े बार बड़े भारी बम से भी यदि ताकतवर है परा वाणी। जब गौतम बुद्ध कहे कि मैं रुक गया तुम कब रुकेगा, बस इतना में काम तमाम हो, बस वो विचार कर क्या रुकने के लिए कहा है, बस हो गया। तो जगत में केवल जीवों का उद्धार दो ही, भगवान ही एक ऐसे हैं कि निस्वार्थ समाज की सेवा करते हैं, और दूसरा संत, संत का कोई लेन देन नहीं, वो अपनी नित्य रात रात प्रियालाल के दिव्य लीला में मस्त रहता है, फिर भी उस लीला से नीचे उतर कर किसी से बात करता है तो केवल सुख के लिए, उसके सुख के लिए, उसको कहते हैं तब सुखी सुखी, उसको संसार से कोई लेना देना नहीं।
उसको अच्छा कहे, गाली दे, अपमान करे, उसको नहीं, उसका तो एक ही लक्ष्य है जीव का उद्धार। जैसे श्री गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जगाई मथाई का पिटाई खाकर भी उसका उद्धार, ऐसा कोई करेगा? केवल दो ही संत करेंगे या भगवंत करेंगे। तो भगवान कहते हैं, ओ प्रियतम, मैं इसी से तुझको पुकार रहा हूं। त्रिताप के ज्वाला से तू नहीं जल रहा है, तेरे साथ मैं भी जल रहा हूं। ये मत समझिए कि आप लोगों को ही कष्ट हो रहा है, इस हृदय में दो लोग हैं, भगवान श्री कृष्ण भी है ना, सर्वस्व चाहम हृदय सर्व विष्णु, सबके हृदय में ठाकुर जी, और जीव भी है। तो जीव को कष्ट होता है, भगवान को कष्ट नहीं, क्योंकि जीव सुख दुख का भोक्ता है और ठाकुर जी सुख दुख के भोक्ता नहीं, वो केवल देखते रहते। ठाकुर जी इसीलिए हृदय में पड़े हुए हैं कि एक बार वो मेरे तरफ देखे, लेकिन जीव कदापि देखता नहीं। ठाकुर जी को पीछा करके आगे आगे चलता है और भगवान उसके पीछे से ऐसे है। हिंदी का 33 देखे हैं आप तो? 33 देखे हैं कैसा है? जीव ऐसे मुंह और भगवान का ऐसे, और जीव को होना क्या है? 63 आमने सामने। लेकिन ये जीव कभी सुधरने वाला नहीं, भगवान इसको इतना पीटते हैं, सुबह जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत केवल पीटते हैं। इसीलिए पीटते हैं कि थोड़ा 63 हो जा, वो हमेशा 33 होने के लिए तैयार है। 63 नहीं होना चाहते, सन्मुख होता है, सन्मुख हो ही जीव मुहि जब ही जन्म कोटि अघनास ही तब ही। ठाकुर जी कहते हैं जिस क्षण तो 63 हो जाएगा, तुम्हारा सारा पाप पुण्य का लेखा जोखा में समाप्त, बस जीव होने वाला नहीं। अब जीव होता नहीं तो भगवान अपने पैर को जोर से झंकार करते हैं, देख मेरे तरफ, नहीं देखता है तो थोड़ा बंसी बजाते हैं, देख ले मेरे तरफ, फिर भी नहीं देखते हैं तो ठाकुर जी अपनी माया को भेज देते हैं, थोड़ा इसको पीट कर भी तू मेरे पास ला। ये रोग दुख आदि व्याधि मान अपमान ये सब क्या है? माया की पिटाई है। केवल इसीलिए भगवान पीटते हैं कि जीव एक बार मेरे तरफ देखे। वाह 36 का, हाँ ठीक कर दे, 36 क्षमा करना, बहुत अच्छा बोले, ये क्षमा लायक नहीं है तो क्या कहते हैं, क्षमा के उल्टा क्या होता है? पिटाई। ये कह रहे हैं हम मैं आपके पास आऊं, आपके पास करोगे?